नमस्कार दोस्तों, मैं सियोर पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप सभी का अभिवादन भी करता हूं। जैसे कि हमारे दोस्तों की और स्टूडेंट्स की ये मांग रही थी कि सर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश समसामयिकी के लिए एक यूट्यूब पर वीडियो होना चाहिए, जिसके संबंध में मैं ये समसामयिकी का एक वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो कि आने वाली विभिन्न उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं, जो कि 2018 में हाल ही में घटी हुई कुछ घटनाओं पर आधारित है, और इसमें हम इन सभी समसामयिकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय हैं और एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं जिन विषयों की अधिक है, उन्हीं पर हम अपना ये वीडियो आप सभी लोगों की डिमांड पर तैयार कर रहे हैं और आप सभी लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि इस वीडियो में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र 12 मार्च 2018 को मिर्जापुर जिले के दादर कला में स्थापित किया गया। यह जो सौर ऊर्जा संयंत्र है, यह 75 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। इसका उद्घाटन 12 मार्च 2018 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा के द्वारा किया गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो कृष्णा कुटीर जो है, यह एक विधवा गृह है जिसका शिलान्यास किया जा चुका है और यह बन के तैयार भी हो चुका है। देखिए, मथुरा जिले के वृंदावन में 1000 विधवाओं हेतु इस विधवा आश्रम का कृष्णा कुटीर विधवा गृह के नाम से बनाया गया है, जिसमें 1000 विधवाओं के रहने की व्यवस्था की गई है, तथा साथ ही यह 1.46 हेक्टेयर क्षेत्रफल पे बना हुआ है। इसमें देखा जाए तो इसके जो निर्माण का कार्य है वो है केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तथा इसके संचालन के संबंध में अन्य जो महत्वपूर्ण कार्य होंगे उन सभी को राज्य सरकार के द्वारा कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यूपी में इन्वेस्टर समिट 2018 का आयोजन हुआ है लखनऊ में। यह इन्वेस्टर समिट 21 से 22 फरवरी 2018 के मध्य लखनऊ में आयोजित की गई है। इस इन्वेस्टर समिट को 21 फरवरी 2018 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तथा 22 फरवरी 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इस इन्वेस्टर समिट का समापन किया गया। इस इन्वेस्टर समिट में 4.28 लाख करोड़ के उत्तर प्रदेश में निवेश भी आए हैं, जिसके संबंध में 1045 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस इन्वेस्टर समिट में सबसे ज्यादा रिलायंस ग्रुप के द्वारा 10,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का ज्ञापन दिया गया है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इसके साथ में उत्तर प्रदेश के द्वारा रेलवे ने अपना इन्वेस्टमेंट भी लाया गया है। रेलवे ने झांसी और फतेहपुर में रेल कोच कारखाना स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला विश्वविद्यालय है। यह ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बनेगा। साथ ही हम इस चीज पे चर्चा करेंगे, क्योंकि सौर ऊर्जा से संचालित विश्वविद्यालय की श्रेणी में देखा जाए तो इसके बारे में यह है कि यह पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित नहीं है, इसमें अभी भी कार्य चल रहा है और इसके 23 बिल्डिंग्स को सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में 40 लाख रुपए प्रति वर्ष का जो बोझ है वो कम किया जाएगा विद्युत को बचाकर और सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित करके। तो ये अभी करंट का क्वेश्चन है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। अच्छा, आगे की बात करते हैं दोस्तों, तो देश की पहली
EFIR योजना यूपी पुलिस ने लागू की है। आप लोग यूपी पुलिस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह भी एक काफी महत्वपूर्ण घटना है। यह 17 सितंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के द्वारा लागू की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस EFIR योजना के द्वारा FIR लिखने के संबंध में अब आपको थाने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इंटरनेट के माध्यम से EFIR को दर्ज करा सकते हैं, जिसका पुलिस के द्वारा तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन वाराणसी में हुआ है। यह जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2018 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ होगा, क्योंकि उस समय यह प्रस्तावित था और वर्तमान में यह हो चुका है। 2019 का 15वां उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 21 जनवरी 2019 को वाराणसी में हुआ है। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी हम प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अन्य जो भी उत्तर प्रदेश के द्वारा समसामयिकी के संबंध में जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको देखते हुए। तो आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा हो कि वीडियो कुछ फास्ट चल रहा है तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके पुनः दोबारा से देख सकते हैं और इस चीज को अपनी नोटबुक पर राइट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये जो था वह 8वां अंतरराष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन है, ठीक है, जिसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन 5 अगस्त 2018 को किया गया है और यह 8वां है, ठीक है। इसलिए यह पूछा जा सकता है कि 8वें अंतरराष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का हाल ही में आयोजन कहां किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में सोलर लैंप योजना का शिलान्यास किया गया है। प्रदेश सोलर लैंप योजना का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं विकास राज्य मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि महेंद्र सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन आपका लखनऊ के सरोजिनी नगर विकास खंड में किया गया है और इस योजना के तहत 70 लाख सोलर लैंप बांटने का प्रस्ताव रखा गया है। जो लक्ष्य है वो है दोस्तों 70 लाख सोलर लैंप का। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संबंध में। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी एक महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो कि पिछले कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में बात करते हैं तो 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आजमगढ़ जिले से इसका शिलान्यास किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो एक 6 लेन एक्सप्रेसवे बनकर तैयार किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 341 किलोमीटर निर्धारित है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई दोस्तों 341 किलोमीटर है और इसके साथ में इससे कुछ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें ये हैं
कि इसे 3 वर्ष में यानी 36 महीनों में बनाकर तैयार कर लिया जाएगा, इसे 3 वर्षों में बनाकर तैयार कर लिया जाएगा और 2021 तक इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, यानी कि देश को इसको समर्पित कर दिया जाएगा और 2021 तक यह बनके तैयार हो जाएगा, यह लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ में ही एक चीज और महत्वपूर्ण है, यह NH56 और NH19 को भी जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे होगा। साथ ही दोस्तों इसके बारे में आगे एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसे बनाने की अनुमानित लागत जो है वह 23,000 करोड़ रखी है, 23,000 करोड़ की अनुमानित लागत है इस एक्सप्रेसवे के बनने में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश वन महोत्सव, दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश वन महोत्सव का आयोजन किया गया है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और 6 जुलाई को यूपी वन महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। यह वन महोत्सव का उद्घाटन बाराबंकी जिले उत्तर प्रदेश से किया गया है। इस वन महोत्सव के तहत उत्तर प्रदेश में 3,66,000 सॉयल हेल्थ कार्ड भी जारी किए गए, 3,66,000 सॉयल हेल्थ कार्ड इस वन महोत्सव में जारी किए गए। आपको पता होगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में 6.09% वन के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 6.09% क्षेत्रफल वन के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी डाटा पूछा जा सकता है और आप लोग इसे नोट करते चले साथ की साथ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छी बात यह है कि अभी अभी यूपी में पर्यटन नीति 2018 लागू की गई है, तो पर्यटन नीति के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो यूपी की पर्यटन नीति है इस नीति को लागू किया गया है, यह नीति पर्यटन क्षेत्र में टूरिज्म के सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है। इस नीति के तहत प्रत्येक वर्ष में सरकार के द्वारा 5,000 करोड़ का पर्यटन के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके साथ साथ 2023 तक उत्तर प्रदेश को देश का सबसे ज्यादा पर्यटन पसंद राज्य बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 2023 तक उत्तर प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो अब अगले घटना की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में कृषि कुंभ का आयोजन किया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में हाल ही में कृषि कुंभ का आयोजन किया गया है। यह जो कृषि कुंभ है यह लखनऊ में आयोजित किया गया। कुंभ के बारे में तो आप सभी को पता है कि उसका आयोजन प्रयागराज में चल रहा है जैसा कि, लेकिन कृषि कुंभ से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश कृषि कुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है, तो उत्तर प्रदेश का जो कृषि कुंभ है इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। इसके आयोजन के संबंध में 26 से 28 अक्टूबर तक, ये 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक लखनऊ में आयोजित किया गया है और इस आयोजन में उत्तर प्रदेश में सरकार के साथ साथ
केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के सहयोग से इस कृषि कुंभ का आयोजन किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो हाल ही में एक और महत्वपूर्ण घटना ये है कि फाजिल नगर को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। फाजिल नगर को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। तो जो फाजिल नगर है ये कहाँ स्थित है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाजिल नगर को जो नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है, ये दिया गया है 14 अगस्त 2018 में। और फाजिल नगर जो है वह कुशीनगर जिले में स्थित है। तो आप इसे जरूर याद रखें कि फाजिल नगर जिसे हाल ही में नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है वह कहाँ स्थित है। दोस्तों हम फाजिल नगर की बात कर रहे थे जो कि 14 अगस्त 2018 को नगर पंचायत का जिसे दर्जा दिया गया है यह कुशीनगर जिले में स्थित है। इसी के साथ में एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में 17वें नगर निगम को स्थापित किया गया है जिसमें शाहजहांपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया है, यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश में अभी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान चलाया गया। देखिए ये जो कृमि मुक्ति अभियान चलाया गया है, ठीक है, इसके लिए आपके 8 अगस्त 2018 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा एवं महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के द्वारा इस कृमि मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों 8 अगस्त 2018 को इसका शुभारंभ किया गया है। इसके संबंध में जानना यह जरूरी है कि इसमें 1 से 19 वर्ष के बच्चों को इस अभियान के तहत चयनित किया गया है और इन चयनित बच्चों को कृमि से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कृमि से मुक्ति दिलाने के लिए जितने भी सरकारी और प्राइवेट जो भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है वहां पर इस चीज का अभियान चलाया जा रहा है कि इन कृमि से मुक्ति दिलाने के लिए एल्बेंडाजोल नाम का एक दवा होता है जो कि इन लोगों को दिया जाएगा। 1 से 19 वर्ष के बच्चों को इस अभियान में कृमि से मुक्ति दिलाने के लिए एल्बेंडाजोल नामक दवा दिया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में 5 नगर पंचायतों को धार्मिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में 5 नगर पंचायतों को धार्मिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो वो 5 धार्मिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसके संबंध में आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। तो उन 5 क्षेत्रों के हम नाम लिखना चाहेंगे, तो आप लोग नोट करें 5 नामों को जिन्हें उत्तर प्रदेश में धार्मिक क्षेत्र को घोषित किया गया है, यह मथुरा जिले में स्थित है। तो इसमें जो है एक तो पहला नाम आप नोट करें, देखिए वीडियो अगर आपको तेज लग रहा हो तो आप इसे दोबारा से रिप्ले करके पुनः भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो अभी धार्मिक क्षेत्रों के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो उसमें 5 नाम जो है, पहला नाम है गोवर्धन का। इसके बाद दूसरा नाम जो है, लिखते चले दोस्तों साथ की साथ, दूसरा नाम जो है वो है राधा कुंड का, और तीसरा नाम जो है वो है नंदगांव। तीसरा जो नाम है वह है नंदगांव का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंदगांव के बाद चौथा नाम जो है वो है गोकुल। और अंतिम एवं जो 5वां नाम है वो है बलदेव।
पांचवा नाम जो है वो है बलदेव। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये पांच नाम जो है इन्हें धार्मिक क्षेत्र का में चयनित किया गया है। ये मथुरा जिले में स्थित है। आप सभी लोग इन नामों से अवगत होंगे ऐसा हमें विश्वास है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अभी उत्तर प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये अभियान वैसे तो दोस्तों पूरे देश में चलाया गया है। ठीक है, इस अभियान के बारे में हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है इस अभियान की वो आपके फतेहपुर से की गई है। ठीक है, तो स्वच्छता ही सेवा अभियान की उत्तर प्रदेश में शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई और ये अभियान 15 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक यानी कि महात्मा गांधी की जयंती तक चलाया गया। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में स्वच्छता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के प्रयास किए गए सरकार के द्वारा और लोगों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक पॉलीथीन को भी बैन किया गया है, जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत होगा। तो अभी उत्तर प्रदेश ने बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन योजना चलाई है। ठीक है, इस योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जुलाई को लॉन्च किया है। 15 जुलाई 2018 को बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश में 50 माइक्रोन एवं इससे पतली पॉलीथीन को बैन कर दिया गया है तथा 50 माइक्रोन से ऊपर की पॉलीथीन का प्रयोग जारी रहेगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो कि कब लागू किया गया, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि 15 जुलाई 2018 को बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो कि लागू किया गया है। इसके साथ में इसमें यह भी पूछ सकता है कि कितनी माइक्रोन तक की पॉलीथीन को बैन किया गया है। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए 50 माइक्रोन व इससे कम की जो भी पॉलीथीन है इनको बैन कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगली खबर की तरफ देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में अगली खबर जो है वो मनरेगा से है। मनरेगा के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। मनरेगा स्कीम जो है इसके तहत सभी लोगों को पता है कि यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और मनरेगा स्कीम के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो मनरेगा योजना के तहत रोजगार देने में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा है। दोस्तों ये नोट करने वाली बात है, दोस्तों उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो मनरेगा योजना में जो भी ग्रामीण रोजगार दिया जाता है उसके मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश, जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक बार आप इसे नोटिस जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, तो अमेठी जिले का पिंडारा ठाकुर गांव पूर्णतः डिजिटल गांव बना है। हाल ही में अमेठी जिले का जो पिंडारा ठाकुर गांव है वह पूर्णतः डिजिटल गांव बना है। अमेठी आपको मालूम होगा दोस्तों कि यह केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र भी है। ठीक है, यहाँ से वह चुनाव लड़ती है। तो अमेठी का जो पिंडारा ठाकुर गांव है वह पूर्णतः डिजिटल गांव बन चुका है, इसीलिए
यह एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आगे दोस्तों हम सभी लोग आपसे यह चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको और आपके दोस्तों से हो इस वीडियो से फायदा मिल सके। ठीक है, इसी के साथ आज का जो उत्तर प्रदेश समसामयिकी वाला जो पहला पार्ट है वह हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली वीडियो कुछ दिनों में हम लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, इसके लिए इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।